अभी देखना अभी देखना, ये देखना कॉल आ चुका है और ये देखो हमारा अंशु आ चुका है। तो दोस्तों ये है मेरे भाई का लड़का, अगर आपने इसको पहले नहीं देखा ब्लॉग्स में तो आप सभी ब्लॉग्स देखो तो आपको पता लग जाएगा ये अपने मामा के घर गया था। मतलब कि ना पानी देख के भी डर लग रहा है भाई, इतना ज्यादा पानी आ चुका है क्योंकि है जंबा वगैरह सब क्रॉस कर लिया। देते हैं रफड़ यहां पे, हादसा होने से अभी बच गया है। ठीक है, मतलब सेफ हो गए। मैम अभी कर रहे हैं पट्टी, तो चलो अभी अंब चलते हैं और अंब का हॉस्पिटल आपको बता देते हैं। पर यार उम्मीद करते हैं, यही मतलब यही सोचते हैं कि कोई हॉस्पिटल तक जाने की किसी को नौबत ना पड़े, सभी अपनी लाइफ में खुश रहें ठीक रहें। पर अब लगी है तो जाना तो पड़ेगा, वो आपको थोड़ा बता भी दूंगा घूम के। बाकी चलो फिर ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। भाई प्रशांत भाई के फ्रेंड वगैरह मिले थे ना भाई, इधर है अंब और ये वाला रोड जाता है तलवाड़ा को और दौलतपुर वाली साइड, तो ये बीच को रोड जाता है, यहाँ पे सत्संग सेंटर और अपना अंब हॉस्पिटल इस साइड ही है। अंब का जो सत्संग घर है फिलहाल, तो चलो अंदर चलते हैं। आज प्रशांत भाई आज फिर हमारे लिए बने हुए हैं, देखो भाई ये अपनी मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे बनती है पर्ची वगैरह, तो अगर आप ही आओ यहाँ पे पर्ची वगैरह यहाँ पे बनती है मेडिसिन वगैरह मेरी है जी। हाँ जी, तो ताजरा ये है दोस्तों मेरी मेडिसिन वगैरह जो मिली है यहाँ से, बस यही है, बाहर तो नहीं लेने कोई भैया, ये बाहर तो नहीं लेंगे कोई, मतलब यही है ना। अच्छा बीटा डेन, मतलब वो तो ले लिया कल, ठीक है करवाते हैं पट्टी। तो ये भाई हमारी पट्टी करने लगे हैं, कल इसने मेरे को टांके लगते हुए इसने देखे थे, कैसा लग रहा था तेरे को? क्या बताऊँ, मैंने यहाँ पे वो भी किया है फर्स्ट एड जो 15 दिन की होती है, 2 बार किया है यहाँ पे, थोड़े बाली खुली हुई चिचड़ी उंगली है की। हाँ जी, मतलब हिला दी ना थोड़ी, तभी मैं हिलाई नहीं कर दे यहाँ रखी हो, बस इदा ही रखे कल ना नींद भी ना कुछ। मैं अभी आपको टंकी तो बता नहीं सकता, आई थिंक यार यूट्यूब पे ना गाइडलाइंस के खिलाफ होता है कुछ भी, आप कट वगैरह बता दो तो ये कट तो काफ़ी है। अभी होगा एक्स्ट्रा तो मैं आया हूँ इस साइड, यहाँ पे लैब वगैरह एडमिट यहाँ पे है, पहले यहाँ पे होता था अब वहाँ पे चला गया सब कुछ। बाकी अभी इस साइड में लैब वगैरह अगर कोई आपको कोई भी टेस्ट वगैरह कराना है आई थिंक इस साइड होते हैं, तो वहाँ पर चेकअप होता है नीचे। अभी 1:30 बज रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप 2 बजे के बाद आपका एक्स्ट्रा होगा, तो फिलहाल बाहर पता कर लेते हैं, आई थिंक थोड़ा महंगा मतलब होगा। बाहर रेट पता करके आए, जो एक्स्ट्रा है उसका रेट 200 रुपीज़ बताया, उसके बाद जो जहाँ पे बोल रहे हैं जहाँ पे बोलते तो जहाँ पे सरकारी है फ्री है, तो मैंने बोला क्यों यार 200 रुपये वेस्ट में खर्च कर देना। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, मतलब 1:30 बजे तब मतलब उन्होंने बोला था कि 2 बजे के बाद आना, 1:30 बजने को भी थोड़ा टाइम था। अभी दोस्तों एक्स्ट्रा वगैरह हो चुका, वो भी चेक करवा लिया, तो डॉक्टर साहब बोलते कुछ भी दिक्कत नहीं है, हड्डी ठीक है, मतलब सेफ हो गई। मैम अभी कर रहे हैं पट्टी। तो फाइनली पट्टी हो चुकी है एमरजेंसी, और जैसे मतलब कोई ज़्यादा ही सीरियस है वो सब कुछ इधर ही होता है, बाकी ऊपर वाले जो भी रूम है जैसे मतलब थोड़ा ठीक हो गया मतलब फ़र्क पड़ गया तो ऊपर रूम मिलते हैं उनको, तो बाकी इधर ही पट्टी भी कटती है तो इधर ही सब कुछ होता है। तो बाकी आपको आगे तक पूरा घुमा दिया और दूसरी साइड सामने मतलब जैसे एक्सरे वगैरह होते हैं, तो अब हमारा काम हो चुका है, अब जहाँ से निकलते हैं हम। किलो कर दो भाई टमाटर, कितने रुपये किलो है कर दो। अरे जूस पी लेने ना। नहीं मैं नहीं, कहाँ नहीं पीना, मैं आराम करना जाएगा। अरे चाल अरे 2 गिलास पीने थे, बड़े बड़े थे, पी लेने मेरा बुरी हालत है। तो मैं बुरी हालत है खाना दोस्तों। अभी भाई तो मना कर रहा है तो ये तो बेचारे जाएंगे शाम को खेत में, फिलहाल ऐसे करते हैं आगे कुछ ले लेंगे दूसरा यार, क्या देखिए यहाँ पे टाइम लग जाएगा अभी बनाने को, तो ये भाई शाम को जाएगा खेत पे, तो फटाफट चलते हैं घर को। तो यहाँ पे रामलीला ग्राउंड है जो कि अंब का रामलीला ग्राउंड है, यहाँ पे अचार लेना है भाई आर्मी के लिए भर्ती के लिए तैयारी करते हैं सभी, मिल गया अचार। अभी हम जा रहे हैं घर।
तो फाइनली दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ घर को। तो आप सोच रहे होंगे मेरे साथ तो प्रशांत भाई था, वो कहाँ पे गया? वो चला गया है आगे घर, क्योंकि यार आपको पता शाम को उसने जाना है खेत में, तो मेरे से तो जाया नहीं जाएगा। तो फिलहाल वो बोलता कि मेरे को जल्दी है, जाने दो जाने दो। तो अभी वो रेस्ट करेगा थोड़ा, फिर शाम को उठ के चले जाएंगे भाई वो खेत में। मेरे को तो रेस्ट ही करनी है शाम को भी। तो फिलहाल मैंने बोला तुम जाओ भाई घर, तो मैं लेकर आता हूँ। तो मेरे हाथ में मैगी है, तो एक ही हाथ में सब कुछ पकड़ना पड़ता। बाकी देखते हैं आगे, अगर ब्लॉग बनाने की इच्छा रही तो आगे भी बनेगा। साथी तो ये देखना ये कौन है सामने, अभी देखना ये देखना कौन आ चुका है। और ये देखो हमारा अंशु आ चुका है। तो दोस्तों ये है मेरे भाई का लड़का, अगर आपने इसको पहले नहीं देखा ब्लॉग्स में तो आप सभी ब्लॉग्स देखो, तो आपको पता लग जाएगा ये अपने मामा के घर गया था, तो अभी आया है। तो अभी कंटिन्यू ब्लॉग इसके भी आया करेंगे चैनल पर। करो हाय दोस्तों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, तुम कहाँ गए थे? मामा के घर गए थे। अच्छा मामा के घर गए थे आप ना। अच्छा तो मेरी याद आई आपको, वहां पे आई थी ना। तो दोस्तों ऐसे ऐसे 8 दिन ये बोल रहे हैं कि ऐसे मतलब पट्टी की जाएगी और 8 दिन के बाद मतलब टांके खुल जाएंगे, उसके बाद आई थिंक पट्टी करनी पड़ जाए, तो देखते हैं क्या बनेगा। और अभी मैं आपको ना कुछ क्लिप बताता हूँ पहले के, जब हम गए थे भरमौर, तो आते टाइम मतलब प्रथम कैलाश दर्शन जो है वो आपको बताऊंगा। और उसके बाद आप देखना कैसे कैसे एरिया थे भाई साहब, आते टाइम इतने इतने बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, तो वो सभी इंजॉय करो आप धीरे धीरे, है ना। तो वो ब्लॉग में बने रहना, तो जरूर देखना वो सभी इंजॉय, क्योंकि आपके लिए इतनी दूर गया था मैं, तो आप जरूर देखना है ना आगे शोर सभी। तो चलो फिर बिना देरी के शोर देखो आप। तो हाँ मम्मी आते आते यहाँ पे पहुँचे हैं, तो इधर आप देख सकते हो भाई, इधर देख सकते हो कहाँ पे खड़ा हूँ मैं। तो थोड़ी सी गलती नीचे पड़ने का खतरा सीधा नीचे, तो पहाड़ देख सकते हो कितने ऊंचे हैं। तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे ब्रह्मोर का बना हुआ है, यहाँ पे ये वाला बना हुआ है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से पूरे कैलाश पर्वत के दर्शन हो रहे हैं, ये सामने आप देख रहे हो ये कैलाश पर्वत है। हमने वैसे सोचा था कि जाएं, बट अच्छा हुआ कि नहीं गए, क्योंकि अभी भाई भी बोल रहे थे यहाँ पे मिले पंजाबी भाई अपने, तो बोलते अच्छा हुआ कि नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे यार हादसा भी हो गया। तो सुबह सुबह हम खाना खा रहे थे, तब वहाँ पे बोल रहे थे बंदे कि मतलब मणिमहेश यात्रा करने के लिए गए थे तो उनमें से मौत हो गई है, मतलब मेरे आई थिंक कि पर्वत गिरा, पता नहीं क्या हुआ, कुछ हुआ है वहाँ पे। तो फाइनली दोस्तों अभी हम जा रहे हैं घर। तो अगर आपने भरमौर की पूरी जर्नी देखनी हो, मणिमहेश 84 टेंपल और भरवानी माता A to Z ब्लॉग देखने हो, तो चैनल पे आ चुके हैं। तो वो जर्नी देखने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हो और पूरा एंजॉय कर सकते हो सभी ब्लॉग्स को। तो अभी हम जा रहे हैं घर, तो घर जाते टाइम देखो भाई साहब कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे, तो आप एंजॉय करो इस व्यू को। तो दोस्तों यहाँ पे डैम है, तो देख सकते हो यहाँ पे डैम कैसे होते हैं। तो यहाँ पे पूरा मतलब आवाज़ काफ़ी आती है पानी की जब चलता है पहाड़ों में भाई साहब, इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है। तो हमारे उधर के डैम तो आपने देखे ही हैं, मैंने काफ़ी ब्लॉग्स बनाए हैं अपने उधर, तो पानी की रफ्तार देख सकते हो कितनी तेज़ है। तो दोस्तों जब हम आए थे तब इतना ज़्यादा पानी नहीं था, तो जब हम 5-6 दिन वहाँ पर रहे थे तो उसके बाद बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी, तो इतना ज़्यादा पानी इसलिए है इन डैम में। अभी चलते चलते हम पहुँच चुके हैं इस प्लेस पर, और क्योंकि आप पहाड़ देख सकते हो अभी भी काफ़ी मतलब थोड़ा डैम, जहाँ पे डैम है मतलब अब मेरे को नेम नहीं पता, अगर आप लोग तो आपको पता होगा, उससे थोड़ा आगे आए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मंदिर है जो कि भोलेनाथ जी का है। तो यार मतलब कि ना मैं आपको बता दूँ, डर लग रहा है नीचे देख के, पानी देख सकते हो कितना तेज़ चल रहा है इस टाइम, तो मैं आपको बताता हूँ पानी देख सकते हो कितना ही तेज़ है। और इधर भोलेनाथ जी का मंदिर है देख सकते हो, कितना ही अच्छा बनाया गया है। बाकी इधर पहाड़ों की कटाई देखो, अभी थोड़ा आगे आकर बताता हूँ, इधर देख सकते हो पहाड़ों की कटाई कितने अच्छे से की गई है, पानी देखो कितना ही तेज जला हुआ है। ओ भाई गॉड, मतलब कि ना पानी देख के भी डर लग रहा है भाई, इतना ज़्यादा पानी आ चुका है। तो देख सकते हो आप, ओपी ओपी भाई करो चेक, और आप देख सकते हो पत्थर देखो कितने भारी भारी हैं,
बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर है, चुके हैं चंबा वगैरह सब क्रॉस कर लिया, अभी जा रहे हैं सीधा ही घर। हो गया वो गाड़ी वाले बच गए बेचारे यहाँ पे, अभी हैं जो ये बड़ा नीचे आ गया, अभी इतनी ओर से आवाज आई, इसको साइड को कर देते हैं रफड़। यहाँ पे हादसा होने से अभी अभी बच गया है, तो अभी हमने क्या किया ये सारे जो भी पेड़ गिरे थे साइड में कर दिए। अभी आपके सामने देखो मैंने शॉट लिए थे, शॉट लेते लेते देख लो कितना बड़ा यहाँ पे हादसा होने से बच गया। तो आप कभी पहाड़ों में आओ तो अपना ध्यान जरूर रखना। तो दोस्तों ऐसे कुछ शॉट थे, इसके बाद हम सेफली घर पहुँच चुके थे। तो हाँ जी दोस्तों, तो ऐसा कुछ आज का हमारा ब्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन जो प्रेस करना ताकि हर एक आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब जरूर करना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।